टिलर इफेक्ट दो तरह का होता है, जेड इन डिस्टोर्शन और दूसरे वाला होता है जेड आउट डिस्टोर्शन। जेड इन डिस्टोर्शन में क्या होता है, कब होता है आप जानते हैं, इट इज कॉज्ड बाय अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टी टू जी ऑर्बिटल के अंदर जब डी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल होगा तब ये कॉज होता है। तो कौन सा टी टू जी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अनसिमेट्रिकल होगा, टी टू जी वन, T2G2, T2G4, T2G5, इनमें से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको दिखाई देता है तो वो कहलाएगा अनसिमेट्रिकल T2G इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब ये अनसिमेट्रिकल इनमें से कोई भी होगा, इट इज अ वीकर टाइप ऑफ डिस्टोर्शन, ये एक वीकर होता है। वीकर होने में जो बॉन्ड लेंथ होगी, मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ, वो छोटी होगी, कंप्रेस होगा। यानी कि ये देखिए, अगर ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स है तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो है, ये मान लीजिए प्लेन है, इसमें ये 1 2 3 4 लिगेंड, 1 2 3 4 लिगेंड, ये पांचवा लिगेंड यहाँ पे और छठा लिगेंड ये है, तो ये अंदर की तरफ मूव करते हैं, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, यानी बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी। अब बात करते हैं इसमें जेड आउट डिस्टोर्शन में, तो जेड आउट में इलोंगेशन ऑफ एक्सियल मेटल लिगेंड बॉन्ड होगा, यानी कि ये वाले बॉन्ड जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये नीचे की तरफ यानी बाहर की तरफ जाएंगे और बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। अब होता क्यों है, इट इज कॉज्ड बाय अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी ऑर्बिटल, ईजी के अंदर 1, ईजी के अंदर 3, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है तो ये अनसिमेट्रिकल है, एंड इट कॉज्ड स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग कब होगा, तो स्ट्रॉन्ग तब होगा जब ईजी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल होगा, वीक कब होगा जब टी2जी के अंदर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब T2G के अंदर अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो वीक डिस्टोर्शन कॉज करेगा, उसमें ये अंदर की तरफ मूव करते हैं, जेड इन और जेड आउट तब होता है जब आपका EG के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनसिमेट्रिकल होता है, जिससे क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बाहर की तरफ मूव करेगा, स्ट्रॉन्गर डिस्टोर्शन होता है। इसलिए आइए कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, जो अब जॉन टेलर इफेक्ट के ऊपर आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था कि जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, ये यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिया है आपको, तो ये कॉम्प्लेक्स भी दे सकता है आपको। तो यहाँ पे देखिए, हमको ये कॉन्फ़िगरेशन दिया था तो उसमें आपको चेक करना है कि कहाँ पे होगा। अब देखिए D8 को, तो D8 में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों वो क्या होगा, T2G, जी हाँ बताइए, T2G क्या होगा, 6 होगा, और EG कितना होगा, EG आपका बताइए 2 होगा। तो ये देखिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं ये कैसा है, ये सिमेट्रिकल है। देखिए यहाँ पर ये आपका T2G और ये आपका EG, अब आप देखिए यहाँ पर ये फुली फील्ड है T2G सिमेट्रिकल, EG हाफ फील्ड सिमेट्रिकल, और आप जानते हैं कि अगर T2G में और EG में सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स है तो ये स्टेबल होता है, डिस्टोर्शन नहीं होगा, और ये जो सिमेट्री होगी यहाँ पे जो शेप होगी डेट विल बी रेगुलर। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर D8 है, बिकॉज इट हैज रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो डिस्टोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, नो डिस्टोर्शन इन कॉम्प्लेक्स, रेगुलर विल बी शेप। क्लियर है, क्वेश्चन देखते हैं, जेई मेंस में 2012 में आया है, 12 में पूछा था कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज ऑरेंज रेड, ब्लू ग्रीन, येलो और ग्रीन। अब ये बताइए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जब आया था तो उसमें बताना था कि बताइए कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसे पहले चैप्टर में, कलरेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, वहां पे आपको क्लियर बताया गया था कि भाई वहाँ पे कलर व्हील यूज करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि इसका कलर कौन सा होता है, इसका कलर होता है ब्लू, कौन सा कलर होता है जी, इसका कलर होता है ब्लू। अगर ये ब्लू कलर का होगा
और वैसे भी देखिए यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि आप देखिए कि कॉपर सल्फेट को जब पानी में घोलते हैं तो ब्लू कलर देता है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ब्लू कलर जो होता है इट इज ड्यू टू वाटर लिगेंड। वाटर लिगेंड वहां पे होता है, वाटर वीक लिगेंड होता है। तो वाटर वीक लिगेंड जो होगा तो स्प्लिटिंग जो होगी T2G और EG के बीच में, जो यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है जी, ये EG है और ये आपका T2G है, इनके बीच में जो स्प्लिटिंग होती है, ये गैप जो आप देख रहे हैं इट इज स्मॉलर गैप, लिगेंड आपका वीक है। तो ये जब ये ब्लू कलर दे रहा है तो ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो देखिए ये ब्लू कलर दे रहा है कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ऑरेंज, तो ये ऑरेंज रेड यहाँ पे आंसर होना चाहिए क्योंकि ये ब्लू कलर अपीयर करता है, ब्लू कलर दिखाई पड़ता है इसका। तो ब्लू कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो ये एब्जॉर्ब करेगा, वो दिखाई नहीं देता है, ऑरेंज रेड एब्जॉर्ब करता है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू कलर दिखाई देता है। तो इसका आंसर जो होगा जी डेट विल बी, जी हाँ इसका आंसर होगा ऑरेंज रेड। इसका आंसर है ऑरेंज रेड, ये लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा और ये लाइट आपको रिफ्लेक्ट होगा, ब्लू कलर दिखाई देगा। आई थिंक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। बोला था कलर कॉम्प्लेक्स इनमें से कौन सा होगा, तो ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन, देखिए तो यहाँ पे 2008 में जो क्वेश्चन पूछा कि बताइए, तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे मेटल आयन कॉपर है हर एक में, तो आप OS निकाल लीजिए। जब आप OS निकालेंगे तो यहाँ पे जो OS होगा डेट विल बी 1+1, यहाँ पे जो OS होगा बच्चों, मैं यहाँ पे नंबर में दिखाता हूँ +1, यहाँ पे बच्चों कितना होगा, यहाँ पे भी +1 आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यहाँ पे +2 आएगा और यहाँ पे भी आपका +1 आएगा। अब ध्यान से देखिए इन सब केस के अंदर जो है आपका कॉपर, चारों केस में से स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड केस में जो कॉन्फिगरेशन है वो 3D10 होगा। रीजन समझ में आता है कि +1 है तो यहाँ पे भी 3D10 होगा, यहाँ पर 3D9 होगा और यहाँ पे भी 3D10 होगा। अब जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा डीडी ट्रांजिशन कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन होगा एंड इट विल कॉज कलर, तो यहाँ पे होगा डीडी ट्रांजिशन और ये कलर कॉज करेगा कलर। तो ये आपका आंसर था वहां पर, क्लियर है? जिनको क्लियर नहीं हो रहा है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो हमारा पहला जो लेक्चर है कलरेशन एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स उसको देखिए, आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो बताइएगा, डिस्कस जरूर करेंगे।